नमस्कार, बाजार आज और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। बताएंगे आपको बाजार में आज कैसा रहा कारोबार, कल के लिए स्ट्रेटजी और शेयरों में कमाई के शानदार मौके भी। पूछे हमसे सवाल, व्हाट्सएप नंबर है 9582222666। साथ ही आप हमें अपने सवाल भेज सकते हैं फेसबुक पर @ZBusinessOnline और ट्विटर पर @ZBusiness पर #BazaarAajAurKal लिखकर। कल की तैयारी आपकी कराएंगे, हमारे साथ होंगे जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी, समझेंगे कल के बाजार पर खास स्ट्रेटजी और साथ ही एक और खास मेहमान का परिचय करा दे, एसएमसी ग्लोबल के मुदित गोयल हमारे साथ हैं। मुदित जी, स्वागत करते हैं हम आपका आज के शो में। बातचीत करेंगे शुरू, लेकिन उससे पहले जरा आज के बाजार पर एक नजर डाल लेते हैं। तो कैसा रहा आज का बाजार? सुस्त शुरुआत हुई थी, उसके बाद बाजार दिन की ऊंचाई पर बंद हुए। सेंसेक्स में हमने देखा 468 अंकों की बढ़ोतरी नजर आई और बढ़कर ये 61,800 के पार बंद होने में कामयाब रहा। निफ्टी 151 अंकों की तेजी के साथ 18,420 के लेवल पर बंद हुआ। तो बैंक निफ्टी करीब 200 अंकों की तेजी के साथ 43,400 के पार बंद होने में रहा आज कामयाब। और एडिटर्स टेक में अनिल जी से जरा समझते हैं कि आज बाजार में आई इतनी अच्छी तेजी की वजह क्या रही। भारतीय बाजारों ने हफ्ते की दमदार शुरुआत की। वैसे शुरुआत तो सुस्त थी, लेकिन उसके बाद तुरंत ही चुस्ती में लौटने की कोशिश करते हुए दिखे बाजार। सुबह हल्के हरे और लाल निशान के बीच में बाजारों ने शुरुआत की। शुक्रवार को अमेरिकी बाजारों में कमजोरी रही, लेकिन उम्मीद के मुताबिक, और सुबह से डाउ फ्यूचर्स हल्के हरे निशान में। पिछले हफ्ते की करेक्शन के बाद हमारे बाजार थोड़े हल्के हो चुके थे और इसलिए बढ़ने के लिए थोड़ी जगह भी थी। तो आज सुस्त खुलने के बाद बाजारों ने शुक्रवार के लोज यानी कि 18,250 के आसपास के लेवल पर निफ्टी पर सपोर्ट लिया। बैंक निफ्टी भी 43,100 पर शुक्रवार को लो बनाता दिखा, आज उसके आसपास सपोर्ट लेकर वापस रिकवर होता दिखा। जैसे जैसे ट्रेडिंग सेशन आगे बढ़ा, बाजारों ने मजबूती बनाने की कोशिश की। पहले 18,300 के आसपास रुके और उसके बाद सेकंड हाफ में डाउ फ्यूचर्स ने जब सेंचुरी मारी तो भारतीय बाजार और तेजी से बढ़ते हुए दिखे। 18,400 को पार कर आखिरी आधे घंटे में मजबूती बढ़ती नजर आई। दिन की ऊंचाइयों पर जाकर बंद होने में कामयाब रहे हम 18,420 पर निफ्टी पर, करीबन 150 पॉइंट की अच्छी मजबूती के साथ। और यही हाल बैंक निफ्टी का था। हालांकि निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी उतना नहीं बढ़ा, लेकिन आखिर में कैचअप रैली बैंक निफ्टी में भी आती दिखी और 43,400 के आसपास थोड़ा सा ऊपर बैंक निफ्टी भी बंद होते हुए नजर आया, लगभग 200 अंकों की तेजी के साथ। सेंसेक्स 450 अंकों से ज्यादा की मजबूती के साथ बंद हुआ। लेकिन आज के सेशन में अच्छी बात जो थी वो ये कि वैसे देखा जाए तो आज से ज्यादातर फंड मैनेजर्स और बाजार के लोग जो ईयर एंड पर छुट्टी मनाना चाहते हैं उनका दौर शुरू हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद ब्रॉडर मार्केट में अच्छी तेजी रही। कई सारे सेक्टर्स जबरदस्त मजबूत थे, पहली बात, और दूसरा कैश मार्केट के स्टॉक्स में जबरदस्त एक्शन बनता हुआ दिखा। तो आईटी जैसे शेयरों में अच्छी खासी कमजोरी के संकेत होने के बावजूद बाजार संभले भी और संभल कर आगे बढ़े भी। तो इन दोनों फैक्टर्स के चलने होने के बावजूद दिन की ऊंचाइयों पर जाकर अगर निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी बंद होते हैं तो वाकई में हफ्ते की शुरुआत में पहला ही सेशन मजबूती के साथ हो तो ये कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाला जरूर है। चलिए, आज के खास मेहमान का हम रुख कर लेते हैं, एसएमसी ग्लोबल के मुदित गोयल का। मुदित जी, सबसे पहले हफ्ते की तो शानदार शुरुआत की है बाजार ने, क्या लेवल सब रेस्ट ऑफ द वीक आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं बाजार से? एनर्जी बरकरार रहेगी? गुड इवनिंग स्वाति जी, गुड इवनिंग एवरीवन। बिल्कुल, देखिए मार्केट में क्या हुआ लास्ट वीक, सबसे पहले तो ये एक्सप्लेन करूंगा। लास्ट वीक क्या था, मार्केट में ओवरबॉट पोजीशन थी, मतलब बहुत ज्यादा पोजीशन बनी हुई थी, मार्केट ने शेक किया और वो सारी पोजीशंस कटती हुई नजर आई, चार्ट्स हल्के हो गए और आज के सेशन में बाउंस बैक देखने को मिला। देखिए, बहुत बड़ी तेजी या बहुत बड़ी करेक्शन यहाँ से नजर नहीं आती, मार्केट आपको अपॉर्चुनिटीज देता हुआ नजर आएगा, बॉटम पे खरीदने की सलाह होगी, हाई के आसपास आता है वहां पर प्रॉफिट बुक करके चलेंगे। ये वाला बाजार ऐसा नहीं है कि यहाँ पर पोजीशन बनाए, महीने दो महीने के लिए पोजीशन होल्ड कर लें और फिर ऊपर की तरफ काटते हुए नजर आए। यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज नजर आएंगी, बॉटम पर खरीदेंगे और हाई के आसपास बुक करेंगे। चर्निंग करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज ट्रैप होते हुए नजर आएंगे। ओवरऑल जिस तरह के चार्ट्स अभी बने हैं, तेजी बन सकती है एक से दो दिन के अंदर 640 से 650, 18,650 तक के अपसाइड में निफ्टी में नजर आते हैं, तो डिप पे बाय करके चलेंगे। कोई भी डिप आता है बाइंग अपॉर्चुनिटी है, स्टॉप लॉस रहेगा 18,340 का। ओके, तो ये तो मुदित जी की राय रही बाजार पर। मुदित जी, किसी को पोजिशनल व्यू अभी बाजार में लेना हो तो कौन से स्टॉक में आपकी स्ट्रेटजी रखने की सलाह रहेगी?
देखिए पोजिशनली अगर हम बात करें तो हमें लगता है अपोलो टायर्स यहाँ पर बहुत अच्छे चार्ट स्ट्रक्चर बनते हुए नजर आए हैं। मार्केट की करेक्शन में भी स्टॉक में कोई बड़ी करेक्शन नजर नहीं आई है। ओवरऑल स्ट्रक्चर देखते हैं तो एक बुल फ्लैग पैटर्न चार्ट्स पर बनता हुआ नजर आया और उसके ब्रेकआउट के पास एक काउंटर ट्रेड हो रहा है। तो हमें ऐसा लगता है कि स्टॉक में अगर आप 15 से 20 दिन का नजरिया रखते हैं 350 से 355 तक के अपसाइड में अपोलो टायर्स में नजर आते हैं। बिल्कुल खरीदारी करके चलेंगे, स्टॉप लॉस रहेगा 305 का। ओके, तो पोजिशनल व्यू अपोलो टायर्स में रखने की सलाह आपके लिए आ रही है मुदित गोयल की तरफ से, और लॉन्ग टर्म खरीदारी कौन से स्टॉक में? देखिए लॉन्ग टर्म के लिए बैंकिंग स्टॉक ही समझ में आ रहा है, और एक ऐसा बैंक जहां पर मार्केट की वोलेटिलिटी कहें या मार्केट की कोई भी करेक्शन कहें उस पर कोई भी असर देखने को नहीं मिल रहा, और स्टॉक अपने अपसाइड अपस्विंग में ही ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। मैं बात कर रहा हूँ एक्सिस बैंक की। एक्सिस बैंक को खरीद के चलेंगे, बहुत अच्छे चार्ट्स बनते हुए नजर आए हैं। अभी रिसेंटली लास्ट 3-4 दिनों में जो करेक्शन था स्टॉक में, एक साइडवेज मूवमेंट देखने को मिला, वहां पर भी एक्युमुलेशन होता हुआ नजर आया है। हैवी वेट जो हैवी बाइंग वहां पर देखने को मिली है। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर वाइज डाटा वाइज स्टॉक में स्ट्रेंथ नजर आती है। लॉन्ग टर्म के लिहाज से 3 से 4 महीने के नजरिए रखिए, 1050 तक के अपसाइड मूव एक्सिस बैंक दिखा सकता है। खरीदारी करके चलेंगे, स्टॉप लॉस रहेगा 880 का। लॉन्ग टर्म के लिए बैंकिंग स्पेस से एक्सिस बैंक में खरीदारी की सलाह मुदित गोयल की तरफ से आ रही है। आइए जरा कुछ कॉलर से जानते हैं उनके सवाल। गुरुग्राम से हमारे साथ मोहम्मद शमसुल हक साहब हैं, स्वागत करते हैं आपका। बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल पूछेंगे? हाँ जी, टाटा मोटर के लिए हमको जानकारी चाहिए था। 305 शेयर है मेरे पास। जरा लेवल्स बताएंगे? ओके, 395। खरीद 395। 395 की खरीद है, और कितने शेयर है? 305। अच्छा, 305 और खरीद है 395 की। कुछ मुनाफे में कब तक रखना चाहेंगे आप? लॉन्ग टर्म खरीद है। लॉन्ग टर्म के लिए टाटा मोटर्स में सलाह। मुदित जी, कैसा लग रहा है आपको इनका प्लान? देखिए साफ साफ बोलूंगा, लॉन्ग टर्म के लिए मैं इस काउंटर को सजेस्ट नहीं करूंगा। आपकी बाइंग रेट काफी अट्रैक्टिव है 395। मैं यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस सजेस्ट करूंगा 405। जब तक 405 के लेवल को ये काउंटर होल्ड करता है आप पोजीशन में बने रह सकते हैं। हमें लग रहा है बाउंस बैक में 435 से 440 तक के अपसाइड में ये काउंटर दिखा सकता है। अब आपने एक चीज कही, मैं लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करूंगा। देखिए लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है, मैंने लास्ट शो में भी कहा था, आज फिर बोलता हूँ, इन्फोसिस, टीसीएस, रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी लिमिटेड और कोटक बैंक, इन 6 शेयर के बाद सातवां मैं कोई स्टॉक सजेस्ट नहीं करता। लॉन्ग टर्म में आपको ये जरूर ये पैसा बना के देंगे। टाटा मोटर्स में क्या होगा, 10% का अपस्विंग आएगा, 20% का डाउन स्विंग आएगा। तो अगर लॉन्ग टर्म में पैसा नहीं बनेगा, लेकिन आप इन 6 शेयर जो मैंने हैवी वेट पर जिस पर बात करी है आप इनमें निवेशित रहेंगे, मैं बोल सकता हूं कि आपकी कैपिटल मल्टीप्लाई होती हुई नजर आएगी। तो लॉन्ग टर्म के लिहाज से इन 6 शेयर में निवेशित रहिए, अदरवाइज टाटा मोटर्स में शॉर्ट टर्म के लिए 395 के एसएल से पोजीशन को होल्ड करके चल सकते हैं। ओके, बने रहे, टाटा मोटर्स सलाह आपके लिए आ रही है मुदित गोयल की तरफ से। आइए अगले कॉलर का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ है नागपुर से आशीष वाघ। आशीष जी बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल है? मैडम मेरा सवाल है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इसके मेरे पास 600 शेयर है 106.75 रुपए का। ठीक है, कब तक होल्ड करेंगे? 1 महीना और। महीने का नजरिया बीएल पर, महीने तक होल्ड करें या थोड़ा लंबा नजरिया रखना चाहिए अभी इन्हें बीएल पर? मुद्दत जी, नहीं, देखिए बीएमएल बीएल के जो चार्ट है वो ठीक है इन लेवल्स पे, क्योंकि स्टॉक में क्या हुआ, मैंने जैसा स्टार्टिंग में कहा था कि चार्ट्स जब ओवरबॉट हो जाते हैं तो स्टॉक छटपटाता है चार्ट्स पर और फिर एक बार करेक्शन दिखाता है। बीएल में वैसा ही देखने को मिला, डिफेंस की थीम लगी लगातार चले जा रही थी, पोजीशन बनती हुई नजर आ रही थी बीएल में, और लास्ट वीक में क्या हुआ वो सारी पोजीशन कट गई चार्ट्स पर। अब ये काउंटर हल्का हो गया, और आज के सेशन में ही हमने देखा जो फ्राइडे के सेशन में लो लगा था वही लो से स्टॉक में बाउंस बैक देखने को मिला, एक रिवर्सल कैंडल बनी है।
चार्ट्स हल्के हैं, अर्लियर सपोर्ट से स्टॉक में बाइंग देखने को मिली है, अभी यहां से ये बाउंस बैक दिखाएगा, 110 112 तक के अपसाइड देखने को मिलेंगे। बीएल में बिल्कुल खरीदारी करके चलिए, डिप में यहां पर पोजीशन है होल्ड करके चलिए, स्टॉप लॉस रहेगा 95 का। ओके, तो बीएल में खरीदारी बनाए रखें, यही राय आ रही है मुदित गोयल की तरफ से। अगला सवाल व्हाट्सएप पर है हमारे पास, नोएडा से आशीष गुप्ता का। एसबीआई है इनके पास, 540 शेयर है, 610 है इस पर इनकी खरीद, जाना चाह रहे हैं एसबीआई पर फिलहाल इनको क्या खास स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए, कुछ नुकसान में जरूर है पर एसबीआई बने रहे मुदित जी। बिल्कुल बने रहिए, एसबीआई में बड़े टारगेट्स नजर आते हैं, 660 और 680 तक के अपसाइड में एसबीआई दिखा सकता है, सपोर्ट ले लिया है आज के सेशन में स्टॉक ने, यहां से तेजी बननी चाहिए, 660 और 680 तक के अपसाइड में एसबीआई दिखाएगा, पोजीशन होल्ड करके चलिए, स्टॉप लॉस रहेगा 580 का। ओके, एसबीआई बने रहने की सलाह आ रही है आपके पास मुदित गोयल की तरफ से। दाहोद से शंकर भाई का सवाल हमारे पास है, गोवा कार्बन इनके पास है, 200 शेयर, 584 खरीद है इनकी गोवा कार्बन पर। गोवा कार्बन पर राय लेना चाह रहे हैं मोदी जी, क्या करें अभी फिलहाल, नुकसान में है, क्या बने रहना सही रहेगा? देखिए स्टॉक में करेक्शन लगती है और करेक्शन की वजह बता देता हूं। देखिए जो पिछले कई दिनों में मार्केट जो था, मार्केट में जो रैली देखने को मिल रही थी वो स्टॉक्स चल रहे थे कि जो स्टॉक्स ऊपर से गैप के बाद करेक्शन दिखा रहे थे, बॉटम से उन स्टॉक्स में बाइंग देखने को मिल रही थी और गैप फिल हो रहे थे। इस स्टॉक में अपोजिट होता हुआ नजर आया है, हाई के बाद जब मार्केट में करेक्शन आई है, इसमें जो पहले गैप बना था वो गैप फिल होता हुआ नजर आएगा और गैप फिल होगा तो स्टॉक में करेक्शन देखने को मिलेगी। 7 नवंबर को स्टॉक में एक बढ़िया गैप अप ओपनिंग देखने को मिली थी, अब वो सपोर्ट काम नहीं करेगा, स्टॉक में करेक्शन आएगी तो यहाँ से 480 रुपए तक की डाउनसाइड गोवा कार्बन दिखा सकता है, तो मैं बोलूंगा कल सुबह जैसे ही मार्केट ओपन होता है गोवा कार्बन से एग्जिट कर सकते हैं, हमें 480 रुपए तक की डाउनसाइड गोवा कार्बन में नजर आती है। ओके, तो ये रही राय मुदित जी की गोवा कार्बन पर। गाजियाबाद से नाजिम साहब का सवाल इस वक्त हमारे पास आ रहा है, जरा वो भी लें। इंडिया सीमेंट पर ये सवाल जानना चाह रहे हैं, राय लेना चाह रहे हैं। 40 शेयर इनके पास है, 257.80 रुपए की इनकी खरीद है, 974 के नुकसान पर भी है अभी ये। इंडिया सीमेंट्स कोई खास स्ट्रेटजी आपकी तरफ से? इंडिया सीमेंट पे भी सपोर्ट नजर आ रहा है और यहां से बाउंस बैक दिखा सकता है, 245-250 तक के अपसाइड में इंडिया सीमेंट में नजर आते हैं, अगर इनकी पॉकेट अलाउ करती है तो यहाँ पर और खरीदारी करके चल सकते हैं, 250 एक हर्डल का काम करेगा। हाँ, 250 के ऊपर क्लोजिंग आ गई उसके बाद ये काउंटर 275-280 तक के भी अपसाइड मूव दिखा सकता है, अभी जो चार्ट्स बने हैं यहाँ पर होल्ड करके चल सकते हैं, स्टॉप लॉस आएगा 222 का। ओके, तो इंडिया सीमेंट्स पर स्टॉप लॉस का जरूर ध्यान रखें और बने रहने की सलाह मुदित गोयल की तरफ से। बीकानेर से जगतार सिंह का सवाल जरा लेते हैं और इनका सवाल मुदित जी IEX पर है, 200 शेयर हैं, खरीद इनकी 164 की बता रहे हैं ये, IEX पर जानना चाह रहे हैं, इन्हें भी नुकसान है, क्या स्ट्रैटेजी रखने की सलाह देंगे, बने रहें या फिर निकल जाएं? देखिए IEX में अभी चार्ट हल्के नहीं है, अभी चार्ट अभी भी भारी है, क्योंकि क्या होता है स्टॉक में जैसे ही थोड़ा बहुत बाउंस बैक देखने को मिलता है जरूरत से ज्यादा पोजीशन बन जाती है और उसी तरह का मूवमेंट लास्ट करीब 2 हफ्तों में स्टॉक में देखने को मिला है, जैसे ही स्टॉक में कुछ तेजी बनती है वॉल्यूम के साथ बाइंग देखने को मिलती है फिर स्टॉक कंसोलिडेशन हो जाता है। देखिए अभी जिस तरह के चार्ट बने एक करेक्शन स्टॉक में ड्यू है, वो करेक्शन में 138 और 137 तक की डाउनसाइड ये काउंटर दिखा सकता है, तो जो अभी चार्ट बने हुए हैं यहाँ पर हमें लगता है स्टॉक में करेक्शन आएगी। नट शेयर में इनको बोलूंगा अगर इनकी पॉकेट अलाउ करती है 135 के स्ट्रिक्ट SL 135 रुपए के स्ट्रिक्ट SL से अभी पोजीशन होल्ड करके चल सकते हैं, 137-138 में जो करेक्शन आएगी अगर इनकी पॉकेट अलाउ करती है वहां पर और कॉस्ट को एवरेज कर सकते हैं तो बाउंस बैक में ये काउंटर 155-160 तक दिखा सकता है, लेकिन पहले एक करेक्शन आएगी उस करेक्शन को थोड़ा सा डाइजेस्ट करना होगा, ओवरऑल 135 के स्टॉप लॉस से अभी पोजीशन होल्ड करके चल सकते हैं। ओके, IEX बने रहें, यही सलाह मुदित गोयल की तरफ से।
दिल्ली से ब्रजेश कुमार का सवाल लेते हैं, HDFC लाइफ पर ये सवाल पूछ रहे हैं। मुदित जी, 500 शेयर है और 530 है इस पर इनकी खरीद, HDFC लाइफ पर ये जानना चाह रहे हैं कि क्या रखे अभी ये स्ट्रेटजी, 27,000 से ऊपर का मुनाफा अभी इनके हाथ में है। देखिए, बहुत बढ़िया चार्ट है और स्टॉक में 605 पहला टारगेट होगा और वो निकाल दिया, उसके बाद 725 रुपए तक की अपसाइड मूव HDFC लाइफ में नजर आती है। बिल्कुल टाइटली होल्ड करके चलिए, 725 रुपए तक के अपसाइड मूव HDFC लाइफ दिखाएगा। बाइंग रेट बहुत अच्छा है इनका, तो यहाँ पर इनको होल्ड करके चलने की सलाह देंगे। स्टॉप लॉस आएगा 560 का। ओके, तो HDFC लाइफ में बने रहने की सलाह मोदी जी की ओर से। अगला सवाल वाराणसी से सुधीर सिंह का आ रहा है, इनका सवाल NHPC पर है, 2100 शेयर है इनके पास, 39.20 रुपए की इनकी खरीद है स्टॉक में, जानना चाह रहे फिलहाल स्ट्रेटजी रखे क्या, बने रहे या निकल जाए, 1900 रुपए तक के मुनाफे पर है फिलहाल ये। देखिए, अभी होल्ड करके चल सकते हैं, बहुत करीब 3 महीने का कंसोलिडेशन स्टॉक में बनता हुआ नजर आ रहा है और उस कंसोलिडेशन का जो सपोर्ट है वो करीब 3870 रुपए के आसपास है, तो 3870 के स्टॉप लॉस से पोजीशन को आप होल्ड करके चलिए। हो सकता है यहाँ से मार्केट की तेजी में स्टॉक में भी यहाँ से बाउंस बैक देखने को मिले। 43 एक मेजर हर्डल है स्टॉक के लिए, 43 रुपए जैसे ही निकाल देगा 48 रुपए तक के भी अपसाइड मूव दिखा सकता है, तो अभी 38.70 रुपए के स्टॉप लॉस से होल्ड करके चलने की सलाह है। NHPC लिमिटेड होल्ड करने की सलाह आ रही है आपके लिए मुदित गोयल की तरफ से। अगला सवाल लेते हैं पुणे से प्रदीप पोलेकर का, मझगांव डॉक इनके पास है, 1000 शेयर और खरीद इनकी है 400 रुपए की। मझगांव डॉक पर क्या राय रहेगी मुदित जी आपकी, फिलहाल इनकी खरीद के हिसाब से बम्पर मुनाफे पर ये बैठे हुए हैं, इनके खरीद से दुगने पर मझगांव डॉक इस वक्त हम देख पा रहे हैं, क्या करें सर ये 4 लाख का मुनाफा। देखिए स्वाति जी, सबसे पहले तो कहूंगा कोई भी इन्वेस्टमेंट जब इस तरीके के रिटर्न देता है वहां पर हमें डिसीजन बहुत अच्छे से लेने होंगे, क्योंकि ये कैपिटल और मल्टीप्लाई हो सकती है। यहाँ पर जो स्टॉप लॉस है 600 रुपए का निकल कर आ रहा है, 200 दिन का मूविंग एवरेज 600 पर ही है, तो ओवरऑल 600 के स्टॉप लॉस से आप होल्ड करके चलिए, क्योंकि अभी 663 पे काउंटर ट्रेड हो रहा है। मैं सलाह इसलिए ये इस तरह की दे रहा हूँ कि जब स्टॉक 700 होता है या 720 होता है या 750 होगा, तो आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहें और हर स्टॉक की हर रैली को आप एंजॉय कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अभी आपको डबल हो रहा है तो आप कोई स्टॉप लॉस ही ना लें, आप 600 रुपए के स्टॉप लॉस से होल्ड करके चल सकते हैं, स्टॉक में तेजी बनेगी, आप अपने स्टॉप लॉस को भी ऊपर की तरफ ट्रेल करिए और स्टॉक की हर रैली को एंजॉय कीजिए। कल के बाजार पर क्या रखें खास स्ट्रेटजी और बाजार के लिए अहम संकेत समझते हैं अनिल जी से। जहां तक कल के बाजारों का सवाल है, भारतीय बाजारों के बंद होने के वक्त डाउ फ्यूचर्स 80 पॉइंट और नैसडेक फ्यूचर्स 40 पॉइंट मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे थे, यानी कि अमेरिका में पिछले हफ्ते की कमजोरी के बाद एक थोड़ा बेहतर ट्रेडिंग सेशन होने की आज उम्मीद भारतीय बाजारों ने जरूर लगाई है। देखते हैं अमेरिका कितना मजबूत बंद होता है या कमजोर, उससे हम संकेत लेने की कोशिश करेंगे। हमारे अपने संकेतों में FIs की तरफ से आज खरीदारी का रुझान बनता है या जो कुछ भी खरीदारी आज बनी है वो ट्रेडर्स की तरफ से होती है, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। लेवल के लिहाज से जो इम्पोर्टेंट है वो ये कि 18,250-18,300 अब कल आपके लिए पहले मजबूत सपोर्ट के तौर पर काम करेगा, और ऊपरी सिरों पर 18,500-18,575 ये वो रेंज है जहां पर प्रॉफिट बुकिंग आती हुई आपको दिख सकती है। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है 43,100-43,225 बैंक निफ्टी की ये वो रेंज है जो आपके लिए मजबूत सपोर्ट का काम करेगी, और ऊपरी सिरों पर बैंक निफ्टी में 43,700 से लेकर 43,850 की रेंज होगी जहां तक बैंक निफ्टी जाने की कोशिश कर सकता है। तो ओवरऑल थोड़ा सा आज मूड माहौल पॉजिटिव होता दिखाए, अगर ग्लोबल सपोर्ट मिल जाए तो भारतीय बाजार आज की मजबूती को कल और आगे बढ़ाने का काम बखूबी कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कल का ऑप्शन। kiranjadhav.com के आशीष केलकर हमारे साथ हैं। आशीष जी स्वागत करते हैं, कल ऑप्शन के जरिए कहां पर स्ट्रेटजी बनाने की सलाह रहेगी आपकी? गुड इवनिंग स्वाति जी। देखिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL का
एक अच्छा खासा करेक्शन खत्म हो चुका है और वहां से वापस ये स्टॉक ऊपर की दौड़ लगाने के लिए रेडी है। चार्ट के ऊपर ऐसे रुझान है कि मैं 2790-2800 तक ये स्टॉक जाने की संभावना है, तो हमें HL का 2700 का कॉल ऑप्शन खरीद के चलना चाहिए। 35-38 ये बाइंग रेंज रहेगा, स्टॉप लॉस 27 का लगाएंगे, पहला लक्ष्य रहेगा 49 रुपीज का, दूसरा लक्ष्य रहेगा 55 रुपए का। ओके, आशीष जी का HAL में खरीदारी की राय, ये उनकी ऑप्शन स्ट्रेटजी कल के लिए। धन्यवाद करेंगे आशीष जी हमारे साथ चर्चा करने के लिए। और मुदित जी आपसे जानेंगे आपके इंट्राडे पिक। एनबीएफसी में कब अच्छा बाउंस बैक देखने को मिल सकता है, चाहे बैंकिंग स्टॉक हो चाहे नॉन बैंकिंग स्टॉक हो, एनबीएफसी हो, उसमें अच्छा बाइंग नजर आती है, तो उसमें से हमने चुना है बजाज फिनसर्व। बजाज फिनसर्व को यहाँ पर लॉन्ग करके चलेंगे, हमें लगता है 1645 तक के अपसाइड मूव कल के सेशन में बजाज फिनसर्व में नजर आते हैं। स्टॉप लॉस आएगा 1604 का। ठीक है, जिस तरह के चार्ट बने हैं स्टॉक में, फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आज के सेशन में हुआ है, लास्ट करीब 5-7 सेशन से स्टॉक में जो कंसोलिडेशन था वो ब्रेकआउट है और शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर भी ये काउंटर निकल गया है, तो कल बढ़िया फॉलो अप बाइंग यहाँ से देखने को मिल सकती है 1640-1645 के टारगेट्स के लिए। बजाज फिनसर्व को लॉन्ग करके चलेंगे, स्टॉप लॉस रहेगा 1604 का। बजाज फिनसर्व इंट्राडे खरीदारी की सलाह मुदित गोयल की तरफ से हमारे पास आ रही। आज के शो में बस इतना ही, रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहिए हमारे साथ।